गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी? आ जाएं जल्दी से, सुबह का 6 बजे आपका डीएलएड का क्लास शुरू हो चुका है और हम लोग आगे देखेंगे सरल व्याधि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ बचे हुए टॉपिक। इसके पहले आपने 2-3 क्लास देख लिया था, है ना? चलें, ओके, ठीक है। हम जानते हैं सफलता का रस बहुत गंदा है, लेकिन क्या करें, संघर्ष ही सफलता का एक फंदा है। दूसरों की नहीं, अपने दिल की सुन मेरे यार, क्योंकि बुराई करना पड़ोसियों का धंधा है। तो उनको अपना धंधा करने दीजिए और ताने मारना, बुराइयां करना, इसको करने दीजिए। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। साथियों, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था ब्याज क्या होता है, इसको एक दूसरे तरीका से बताया था, है ना? बताया था। और मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है और दर क्या होती है, ये सब हम आपको एक बार फिर से शॉर्टकट में बताएंगे, ध्यान से देखना। जमा की गई या उधार ली गई राशियों से जो अधिक धन प्राप्त होता है उसे ब्याज कहा जाता है। जैसे अगर आपने एग्जांपल के लिए अपने बैंक खाते में 1,000 रुपया जमा कर दिया, 1,000 रुपया जमा कर दिया और आप 1 साल के बाद उस 1,000 रुपये को निकालते हैं और आपका जो बैंक का खाता है वो सेविंग अकाउंट है। प्रायः लोग सेविंग अकाउंट खुलाते हैं, है ना, बचत खाता। तो आपको कितना ब्याज मिलेगा पता है? 1 साल बाद देखिए लगभग 3.5% के आसपास ब्याज मिलता है। 100 रुपये में 3.5 रुपया यानी कि आप 3.5 का 10 से गुणा कर लो, लगभग हमारे समझ से 35 के आसपास आएगा, है ना? तो मतलब 1 साल बाद आपको 1,035 रुपया लगभग समथिंग ये होगा। तो अब मतलब समझना, आपने जमा किया था 1,000 रुपये, 1,000 जमा किया था, साल भर के बाद आपको 35 रुपया मिला पूरे साल में, तो कितना ब्याज मिला? 35 रुपये आपको मिला, है ना? ये 35 रुपये क्या है? ब्याज है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 1,000 रुपये बैंक से ले लिया, उधार ले लिया, कर्जा ले लिया, तब पता है आपको कितना देना पड़ेगा? कम से कम 12% ब्याज देना पड़ेगा। 12% देना पड़ेगा मतलब 100 रुपये में कितना? 12 रुपया। तो 1,000 रुपये में कितना? 10 से गुणा कर लो, 120 रुपया। यानी कि अगर आपने 1,000 रुपया लिया था तो आपको 1 साल बाद 1,120 रुपये बैंक को वापस करना पड़ेगा। कितना? 1,120। और लेकिन मिलेगा कितना आपको अगर आपने जमा किया था अपने खाते में? तो 35 रुपया मिलेगा। लेकिन हाँ, इतना ही नहीं, ये तो बचत खाते की हो गई। अब आप सोच रहे होंगे बैंक इतना कम ब्याज देता है, लेता है इतना ज़्यादा, मतलब क्यों है? तो मतलब समझना साथियों, ये तो बचत खाता की बात हो गई। जो सेविंग अकाउंट के अलावा FD वगैरह होते हैं, फिक्स डिपॉजिट, उसमें अगर आप साल भर के लिए डिपॉजिट करते हैं तो आपको लगभग 7% ब्याज मिलता है, 7%। यानी कि यही अगर आपने बचत खाता में नहीं फिक्स डिपॉजिट वाले में जमा किया होता तो आपको 1,070 रुपया मिलता। लेकिन ये कभी मत सोचना कि हमें 1,120 रुपया मिल सकता है, नहीं, क्योंकि बैंक अपना फ़ायदा देखता है, जनता का नहीं, ठीक? मतलब अधिकतम 1,170 रुपये बैंक दे सकता था अगर आपने बचत खाता में उसे जमा किया हो, सेविंग में जमा ना किया होता, मतलब FD किया होता तो, ठीक? तो ये तो हो गई फंडा बात, आप समझ गए होंगे इसमें ब्याज क्या होता है। समझ गए ना ब्याज क्या होता है? मतलब कोई भी राशि जो उधार ली गई या जमा की गई राशि है उससे अधिक जो धन मिलता है बैंक से या फिर हमें देना पड़ता है वो ब्याज कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि रोहित ने 1,000 रुपये बैंक से कर्जा लिया था, 1 साल बाद उन्होंने 1,120 रुपये वापस किया, इसका मतलब उन्होंने 120 रुपया क्या दिया? ब्याज दिया बैंक को, है ना? मान लेते हैं कि आपने क्या किया, आपने 1,000 रुपये जमा किया अपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में पूरे 1 साल के लिए, तो आपको 1 साल बाद 1,070 रुपया मिला, मतलब आपको 70 रुपये क्या मिला? ब्याज मिला। लेकिन उसी के बगल में 120 रुपया ब्याज देना पड़ा। किसको देना पड़ा? बैंक को देना पड़ा, रोहित को। तो ये भी ब्याज है, वो भी ब्याज है, दोनों मतलब समझ गए होंगे आप, ठीक? अब देखिए अगला क्या कंडीशन इसमें दिख रहा है, उसको बेचारा गौर से देखना और पूरा देखना ध्यान से, क्लास छोड़ के मत जाना बीच में, जिससे सारी बातें आपको क्लियर हो जाएं, ठीक है? देखिए टाइम भले लग जाए लेकिन समझ में आना चाहिए। अब अगर आप सवाल लगाते हो उसमें आता है प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन। मूलधन क्या होता है? मूलधन मतलब होता है पूंजी। पूंजी जानते हो ना, आपने सुना होगा व्यापार में कहते हैं हमने इतने की पूंजी लगा दिया इसमें, वही मूलधन होता है। जैसे जमा की गई अथवा उधार ली गई राशि मूलधन कहलाती है। मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत आपने जो देखा होगा अभी बहुत सारी योजनाएं चल रही थी, है ना,
कोई लोन ले लेता है 1 लाख रुपए का, कितना का, 1 लाख रुपए का, और फिर वो कुछ बिजनेस धंधा अपना वहाँ से शुरू करता है, तो उसे बाद में जो कुछ ब्याज देना पड़ेगा थोड़ा बहुत जो भी होगा, लेकिन मूलधन क्या हुआ, 1 लाख रुपए। ठीक, मतलब समझ गए ना, अगर आपने कहीं भी 100 रुपये का इन्वेस्ट करके कोई काम शुरू किया, बाद में आपको ढेर सारा फायदा मिला या नुकसान हुआ, लेकिन आपका मूलधन क्या था, 100 रुपये था। ये पूंजी जो लगाई जाती है वही मूलधन होता है। बाकी अगर हम लोग ब्याज वाले सवाल लगाते हैं तो उसमें समय भी आता है, दर भी आती है। समय क्या होता है, देखिए जैसे अभी मैं बार बार बोल रहा था कि 1 साल के लिए उधार ले रहे हैं या 1 साल के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, तो जो 1 साल में बार बार बोल रहा था वो क्या है, वो यहाँ पर समय है जो काउंट किया जाएगा, गिना जाएगा। ठीक ना, मतलब समझ रहे हो, जैसे हमने कहा 1 साल के लिए अगर आप जमा करेंगे तो आपको 7% ब्याज मिलेगी फिक्स डिपॉजिट में, लेकिन अगर यही आप 6 महीना के लिए जमा करते तो आपको 6% के आसपास मिलता, 7% नहीं मिलता। ये दिन के ऊपर डिपेंड होता है, जितना ज़्यादा दिन के लिए जमा करोगे उतना ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हमारे समझ से 7.5% से ज़्यादा नहीं मिलता है फिक्स डिपॉजिट में। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट चेक कर लीजिएगा बैंक वगैरह की। ठीक है, हाँ, जिस निश्चित अवधि के लिए धन को जमा किया जाता है या उधार दिया जाता है या लिया जाता है वो उसका समय कहलाता है। जैसे अगर हमने कहा अपने पड़ोसी से कि भाई मुझे 20,000 रुपये दे दीजिए और 2 साल बाद मैं आपको वापस कर दूंगा, कितने दिन बाद, 2 साल बाद, तो वो 2 साल क्या हो गया, वो 2 साल यहाँ समय हो गया जो जोड़ा जाएगा कि 2 साल। ठीक, हाँ, दर अगला आता है। दर 100 रुपये के मूलधन पर 1 वर्ष के लिए जो ब्याज प्राप्त होता है उसे मूलधन कहते हैं, कितने के, ओ सॉरी, उसे दर कहते हैं। 100 रुपये के मूलधन पर जो ब्याज मिलता है उसे दर कहते हैं। जैसे अभी मैं बार बार आपको बता रहा था कि अगर बैंक 7% देगा आपको ब्याज, तो इसका मतलब 100 रुपये में 7 रुपया देगा। अगर आपने 100 रुपया जमा कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया 1 साल के लिए, तो साल भर बाद आपको 107 रुपया मिलेगा, कितना मिलेगा, 107। तो कितना दर थी, किस रेट पे मिल रहा था, जो ज़्यादा है इसमें, 7 ज़्यादा है ना 100 से, 7 रुपया, यानी कि ब्याज की दर कितना थी, 7%। मतलब समझ गए ना, वैसे फिक्स डिपॉजिट जो है मिनिमम 1,000 रुपये से होता है, 100 रुपया, 50 रुपया या 200, 500 नहीं होता है। तो साथियों ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में अरमान, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में अरमान, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। जी बिल्कुल साथियों, इसी बातों के साथ आगे बढ़ते चलिएगा, मोटिवेट रहिएगा। देखिए साथियों, अब क्वेश्चन देखिएगा, टॉपिक तो आपने समझ लिया होगा, इसका फंडा समझ लिया, अब ध्यान देना। कह रहा कि 500 रुपये के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। सिंपल सी बात है, क्या क्या दिया है उसको लिख लो। देखो दिया है, इसको लिखने से बहुत आसान हो जाता है। कह रहा कि 500 रुपये के लिए, यानी कि अगर ऐसा बोल रहा है मतलब ये क्या है, मूलधन है, जितना की बात हो रही वो क्या है, मूलधन 500, 4% वार्षिक ब्याज की दर से, दर भी दिया है कितना है, 4% इंटरेस्ट रेट दिया है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए, मतलब समय भी दिया है हमें, टाइम कितना है, 2 वर्ष, है ना, क्या बताना है, साधारण ब्याज, मतलब कि हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो साथियों फार्मूला आप जानते हो, साधारण ब्याज बराबर, जानते हो कि नहीं, बहुत बचपन में पढ़ा था, एकदम छोटा सा प्यारा सा, ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या, 100। ठीक ना, इतना बात क्लियर हो गई, नोट कर लो, बस इसी में रख दो, फटाफट आ गया 1 मिनट के अंदर। चलिए जल्दी करते हैं, फटाफट आगे चलते हैं। देखिए इसमें आप कई तरीका लगा सकते हो, पहले तो आप सूत्र लगा दो ये वाला। चलिए ठीक है, मूलधन 500 है, दर क्या है, 4% है, समय है 2 वर्ष, ये 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 और 20 दूना 40, कितना हो गया, 40 रुपया ब्याज हो गया। ये पहला तरीका हो गया, है ना, नोट कर लो पहला तरीका। फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी कर देंगे, इसको हम दूसरा तरीका से भी कर देंगे, ये सिंपल तरीका हो गया सूत्र से। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, वीडियो को रोक लीजिए अगर नहीं लिखा तो, और जब हम सामने से हट जाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है,
जो सामने से हट जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अगला मेथड देखिए, सेकंड मेथड देखिए साथियों, मतलब समझना। सेकंड मेथड में क्या है, आप देखिए 100 रुपए के लिए कितना ब्याज मिल रहा है, पहले ध्यान से देखना। 100 रुपया पर 1 वर्ष में ब्याज देखिए कितना मिलेगा, 4 रुपया। कैसे करा कि 500 रुपये का के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से। साथियों जो ब्याज दिया जाता है वो परसेंट 100 पे ही निकाला जाता है, ठीक। तो 100 रुपया में एक साल में कितना ब्याज मिलता, 4 रुपया मिलता, सिंपल सी बात है। अब आगे देखना, 1 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, अगर 1 रुपया होता तो 1 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज अगर हम बात करें तो वही हो जाएगा 4/100 रुपया। कितना हो जाएगा, 4/100 रुपया। हमने ऐसा क्यों किया, चूँकि हम एक एक नियम की तरह लगाएंगे तो अगर 1 रुपया पर पता हो जाएगा तो हम 500 रुपया पर निकाल लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 500 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज, क्या ब्याज, अभी आगे से हटेंगे हम, टेंशन ना लेना। ये हो गया 500, काट दोगे तो क्या आएगा, 20 रुपया। कितना आ गया, 20 रुपया। अब आप कहेंगे उसमें तो 40 रुपया आया था, इसमें 20 रुपया काहे आया, उत्तर गलत गलत काहे आ रहा है, गलत नहीं है, अभी जागो तो। ये 1 वर्ष का ब्याज है जो आया है, उसमें 2 वर्ष का पूछा था और जो फार्मूला हमने लगाया था उसमें 2 वर्ष का एक ही बार में आ गया था। तो साथियों अगर 1 वर्ष में 20 रुपया है तो दूसरे वर्ष का तो आप खुद निकाल लोगे ना। अब लिख लो, अतः 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, अरे यही 20 × 2 कर लो बाबू, 40 रुपया हो गया। देखिए आगे से हटेंगे सब देखिएगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, ठीक ना। मतलब कितना रुपया हो गया, 40 रुपया हो गया, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें। अगला सवाल देखना साथियों, इसमें ध्यान से देखना, बड़ा गौर से ही देखना क्योंकि समझने वाली बात है। चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लो कि मिश्रधन क्या होता है। जैसे अगर आपको किसी के दादा के बारे में जानना है तो पहले उसके लड़के बच्चे के बारे में जान लो, फिर दादा नाना के बारे में जानना। मतलब मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है मेन, उस पर जो धन मिलता है ब्याज के रूप में, उसे फिर उसी मूलधन में अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, ये आपका मिश्रधन बन जाता है। देखिए लाइट चली गई, थोड़ा कम हो गई होगी लाइट, लेकिन देखते रहना, भागना मत। ये तो हो गया मिश्रधन, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल से समझना। जैसे कि अगर बैंक से मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हमने 100 रुपये उधार लिया, छोटा छोटा बात समझना, चूंकि हमारी ज़्यादा हंसती नहीं है लाखों लेने की, बस 100 रुपये की बात करता हूँ। देखिए हमने क्या किया, 100 रुपये बैंक से उधार लिया और बैंक ने हमें उसे 12% ब्याज की दर से दिया। कितना परसेंट, 12%, यानी कि एक साल बाद वो 100 रुपये के बदले कितना लेगा, 100 रुपया तो अपना लेगा ही प्लस 12% ब्याज लेगा, यानी 100 रुपये पे 12 रुपये की ब्याज लेगा। तो भाई ये 100 रुपया हमने लिया था, वो 12 रुपये का ब्याज लेगा, तो एक साल बाद हमें बैंक को 112 रुपया देना पड़ेगा वापस। तो ये 112 क्या है, ये है मिश्रधन। क्या है, मिश्रधन है। मूलधन क्या था, मूलधन 100 रुपया था, चूंकि हमने 100 रुपया लिया था, बात समझ में आई ना। तो ये हो गया क्या, ये हो गया क्या मूलधन, ये हो गया मिश्रधन। लेकिन अभी तो हमारी मेन जो पॉइंट है चक्रवृद्धि मिश्रधन है। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है, पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन तो हम समझेंगे, लेकिन इसके पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज जाने पहले, क्योंकि इसमें देखो ब्याज हमें पता था 12, तब हम मिश्रधन निकाल लिए ना। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है पता है साथियों, देखिए खुदा ना खास्ता कि अगर ये 112 रुपया हम एक साल बाद ना रिटर्न कर पाए बैंक को, ठीक है, बहुत सारी परिस्थिति होती है इंसान के साथ, तो 112 रुपया क्या हो गया था, मिश्रधन हो गया था। अब किसी कारणवश इसको हमने बैंक को नहीं रिटर्न किया, पूरा साल बीत गया, तो अगले साल बैंक क्या करेगा, अगले साल पहले तो जो 100 रुपया था, ऐसे समझना ये 100 रुपया था, इस पर तो वो 12% ब्याज लेगा ही, अगले साल भी 12 रुपया लेगा, लेकिन जो पिछले साल का 12 रुपया ब्याज हुआ था इस 12 का भी वो 12% ब्याज लेगा। मतलब समझ गए ना, अब पूरा समझना, अभी पूरा खेल क्या होता है, ये तो फिक्स है कि 100 और प्लस 12 अगले साल फिर लेगा वो, लेकिन इस पर भी तो ब्याज पड़ेगा, ठीक ना। कुल मिला के ऐसे ही समझ लो, इसको एक में अलग अलग करके
इसका 12 का 12% निकाल लो, ये मतलब कि 144 बटा कितना हो जाएगा 100, फाइनल में 1.44, मतलब कि 12 रुपये का जो 12% होगा लगभग 1 रुपया 44 पैसा होगा, ठीक, 1 रुपया 44 पैसा होगा। तो कुल मिला करके साथियों ये 112 रुपया प्लस 1 रुपया 44 पैसा जो है ये हो जाएगा, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुकना थोड़ा सा, 1 रुपया 44 पैसा मतलब 113 रुपया और 44 पैसा ब्याज होगा अगली साल, कितना होगा 113 रुपया 44 पैसा। क्यों हुआ? क्योंकि जो 12 रुपया ब्याज था पिछले साल का उसमें भी क्या जुड़ गया, ब्याज जुड़ गया। तो अब ये क्या हो गया, अब ये क्या बन गया, अब ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गई। क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुई कि नहीं हुई? पूरा चक्रवृद्धि ब्याज नहीं हुआ, जोड़ने के बाद ये चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुई, चक्रवृद्धि ब्याज जो मूलधन से ज्यादा है, मतलब कितना 13 रुपया 44 पैसा, ये क्या हुआ, ये 13 रुपया 44 पैसा हमारा क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गई, और ये क्या हो गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया। मतलब बात समझ में आई? तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का मतलब है 113 रुपया 44 पैसा, और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है, 13 रुपया 44 पैसा। पहली साल में केवल 12 रुपये का ब्याज पड़ा था, कितना पड़ा था 12 रुपये का, लेकिन अगर उस साल नहीं दिया, अगली साल दिया, तो अगली साल अगर फिर उसका ब्याज पड़ रहा है उतने रुपया, तो क्या होगा, अगली साल अब एक मतलब 12 रुपये ब्याज नहीं पड़ेगा, 112 नहीं होगा टोटल, अगली साल उसका भी क्या हो जाएगा, जो टोटल हुआ था उसका भी फिर से ब्याज पड़ेगा, तो ये 13 रुपया 44 पैसा बढ़ेगा, और फिर ये बढ़ के कितना हो जाएगा 113 रुपया 44 पैसा। तो ये हो गया चक्रवृद्धि मिश्रधन। इसके अगर सूत्र की बात करें तो यहाँ पर सूत्र लिखा गया है, इसको ध्यान देना और नोट कर लीजिए सूत्र को, ठीक है, फार्मूला नोट कर लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है इसमें, कुछ आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आप अपने सुझावों को कमेंट कर सकते हैं साथियों, या फिर ऊपर नंबर दिया गया है उस पर आप संपर्क करें और अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। ये फार्मूला नोट करिए, मूलधन इंटू 1 प्लस दर मीन्स रेट अपॉन 100 की पावर कितना होगा, और सॉरी यहाँ पर 100 नहीं होगा, यहाँ पर समय होगा यानी टाइम, क्या होगा टाइम, ठीक ना, नोट कर लीजिए। अगर आपका कोई भी सजेशन आता है तो हम उसे बहुत ही सीरियसली लेते हैं, ऊपर नंबर दिया गया है, कुछ भी आपको डाउट लगे, गड़बड़ लगे, आप ज़रूर संपर्क करें, कोई भी क्वेश्चन है आपका। देखिए साथियों, दूसरा का उत्तर तो आप खुद से कर लोगे अगर आपने पहला समझ लिया था। तो कह रहा कि 100 रुपया कितना है, 100 रुपया है प्रिंसिपल अमाउंट, इस पर कह रहा 10% इंटरेस्ट रेट है, वो भी एनुअल है मतलब वार्षिक की दर से 2 वर्ष का यानी कि आफ्टर 2 ईयर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और साधारण ब्याज भी निकालना है, दोनों का अंतर समझना है, मतलब कितना ज़्यादा है कितना कम होता है। अगर आप पिछले सवाल का ध्यान करिए तो हमने आपको बताया था कि पहले साल में 100 धन 12 इक्वल 112 रुपया ब्याज मतलब टोटल हुआ था फाइनल में, है ना, 12% ब्याज की दर से 1 साल बाद 112 रुपया हुआ था, ये क्या हो गया था, ये क्या हो गया था, ये टोटल फाइनल में आ गया था आपका, क्या भाई ये ब्याज है ये मूलधन है, जब ब्याज को मूलधन में जोड़ते हो तो क्या बनता है, मिश्रधन बनता है। लेकिन अगर आपने अगला नोट किया होगा तो दूसरी साल का हमने आपको बताया था कि 113 रुपया 44 पैसा हुआ था, बोलो हुआ था ना, ऐसा ही कुछ हुआ था ना, मतलब दूसरी साल जो ब्याज थी वो कितना थी, 100 प्लस 113.44, मतलब दूसरे साल जो ब्याज थी 13 रुपया 44 पैसा थी ना, मतलब साधारण ब्याज ये है और ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। अब बताइए अगर दोनों में अंतर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों में अंतर कितना है, अरे भाई ये 13 रुपया 44 पैसा से आपको 12 घटा देना है तो आप पाओगे 1 रुपया 44 पैसा का अंतर है, कितने का है 1 रुपया 44 पैसे का अंतर है। बस वही काम इसमें भी करना है इस सवाल में, ठीक ना, पहले दी गई जानकारी का प्रयोग करके इसमें साधारण ब्याज निकालेंगे और उसके बाद फिर उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे, फिर दोनों को घटा लेंगे और जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए पहले हम इसमें साधारण ब्याज निकालते हैं, चलिए निकाल के कहीं भी रख देते हैं इसको। साधारण ब्याज बराबर आप जानते हो फार्मूला बिल्कुल प्यारा सा है, मूलधन इंटू दर इंटू समय
और अफान क्या होता है साथियों, 100। मूलधन है 100 रुपया, दर है 10%, समय है 2 वर्ष, नीचे हो जाएगा कितना, 100 रुपया, 100 से 100 कट गया, 20 रुपया। साधारण ब्याज कितना आया, मात्र 20 रुपये। नोट कर लीजिए इसको, चूंकि हम मिटाएंगे और मिटाने के बाद फिर अगला निकालेंगे। हो गया, लिख लिए ना। चलिए ठीक है, एक बात और ध्यान देना, PBR स्टडी ब्लॉग, जी हाँ ये स्पेलिंग जरूर देखना। PBR स्टडी तो आप सभी रटे हो लेकिन ये नहीं जानते हो अभी, इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप हमसे डायरेक्ट और अच्छे से जुड़ सकें क्लोज रूप में, ठीक है। इस पर हम आपको और भी बहुत सारी दुनिया की वीडियो देते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो ये सब आप स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे, नहीं तो जो मैंने मिटा दिया ना, इसको वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो। चलिए आप क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए आप जानते हो कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है वो चक्रवृद्धि मिश्रधन जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। अभी आपने मिश्रधन वाला लिखा था लेकिन ब्याज वाला नहीं लिखाया था। ये होता है मूलधन इंटू, वैसे लिख तो सब कुछ जैसे जैसे उसमें लिखा था, 1+ ये दर बटा 100 इसकी घात क्या, समय, यही लिखा था ना, किसमें, मिश्रधन वाले में लिखा था ना। लेकिन साथियों इसमें क्या होता है, ब्याज वाले -1 हो जाता है, बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आपने देखा था क्या क्या दिया था, मूलधन 100 रुपया दिया था, देखो लाइट थोड़ा कम हो गई होगी यार, बार बार कम हो जा रही, क्या बात है। और क्या दिया था, दर दिया था कितना, 10% दिया था, समय दिया था 2 वर्ष। वीडियो को पीछे कर लो, जिनको ना समझ में आ रहा हो कि ये सब कहाँ से लिख रहे हैं, तो पीछे हमने अभी बता दिया, ये सब दिया था, मूलधन दर समय। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, मूलधन 100 रुपया हो गया इंटू 1+ दर थी 10% बटा 100 और ये घात कितना, 2। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात, 100 इंटू, ध्यान से देखना क्योंकि लाइट जो है आज बहुत दिक्कत कर रही। देखिए साथियों इसको आप काट सकते हो, है ना, कैसे वो देखना, देखो इसको आप प्यार से काट सकते हो, 10 एकम 10, 10 दहम 100 और 10 एकम 10 1 11, ये कितना हो जाएगा, 11/10^2। समझने के ऊपर है बस आपका, और कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन इस 1 को मत छोड़ना वरना सारा सत्यानाश हो जाएगा। ये अभी हो जाएगा 100 इंटू 11/10 गुणा 11/10 -1। अभी आगे से हटेंगे, टेंशन मत लेना, बिल्कुल बेफिक्र रहना। ये देखो 10 से कट गया, ये 10 आ गया, 10 से ये भी काट दो, खत्म हो गया, एक आ गया, इक्वल हो गया 121 माइनस ये 1, कितना आ गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा जी, कुछ गड़बड़ हो रहा मुझे लग रहा है ना, गड़बड़ हो रहा है, बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है। देखो अभी ध्यान देना, ये हमने जो काट दिया ना, ये लफड़ा हो गया यहाँ पर, कहाँ से, देखिए ये जो है इसे आप ऐसे बंद किए होते तो ज़्यादा समझ में आता, 100 तो गुणा में था वो ठीक है, लेकिन ये तो इसके घर में था ना पास में, तो ऐसे नहीं हो सकता ये, एक मिनट समझना। अभी पहले ये तो बोर्ड मास के रूल का उल्लंघन हो गया, थोड़ा बाइक चलना, बोर्ड मास का रूल कहता है कि पहले ब्रेकेट के अंदर का मामला सॉल्व करते हैं, पहले घर की बातें घर में, बाद में बाहर वाले से मतलब होता है, तो ये तो कोष्ठक लगा था ना साथियों, देखिए ये वही मैं सोचा कैसे इतनी जल्दी हो रहा है, ये कोष्ठक लगा था ना, छोटा कोष्ठक फिर ये बड़ा कोष्ठक। अब देखना 100 को बाहर रहने दो, अभी इसका हस्तक्षेप नहीं, ये हो गया 11 और 11 स्क्वायर मतलब 121, नीचे 10 का हो गया 100 -1, ये रियल आया। अब इसको अलग हल करो तब वहाँ जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से जब आप करोगे तो ये 100 हो जाएगा 121 -100 क्या हो गया 100। इस तरह से जब आप करोगे साथियों, घात 2 का काम खत्म हो गया, ये 2 घात था, ये 2 यहाँ 121 हो गया, ठीक, इतना सब ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर इसको हल करते हो तो आप पाओगे ये 100 इंटू, इसमें से घटाओगे 21 आएगा और नीचे 100 ये कट गया, बराबर 21 रुपया। अगर आप गौर करिए तो अभी हमने निकाला था साधारण ब्याज कितना रुपया था, 20 रुपया था ना, लिख लो प्यार से, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, बराबर घटा लो दोनों को, 21 -20 = 1 रुपया। कितने का अंतर आया, 1 रुपया का। और ये कहाँ से आता है पता है, जितने रुपया पर बात होती है निकालने की ब्याज वगैरह, उसी का क्या करते हैं, जो ब्याज आई रहती है उसी का 4% निकाल लेते हैं, ठीक है।
बस वही है, मतलब ब्याज कितना आई थी, 20 रुपये आई थी ना साथियों पहली बार, तो साधारण ब्याज 20 थी ना, 20 का 4% निकाल लो, 1 रुपया आएगा, चाहे निकाल के देख लो, 20 का 4%, और वही 1 रुपया का अंतर आ रहा था अभी। ठीक साथियों, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, लेकिन इसको देखकर आपको बड़ा अचंभा हो रहा होगा, क्योंकि इस सवाल का हल आपको दे दिया ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है बाबू, आधे घंटे में सब कुछ पूरा करना है, ध्यान से देखना। कह रहा किस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1,000 रुपया होगा, मतलब कि हमें मूलधन निकालना है, ब्याज भी दिया है, दर भी दिया है और समय भी दिया है, तो सिंपल सी बात है, फार्मूला हमने लगा दिया, बाकी जो कुछ हुआ कैलकुलेशन आपके सामने हुआ, कुछ छुपा नहीं है, नोट कर लीजिए जल्दी से, नहीं समझ में आएगा तो बताना, सब कुछ बहुत ही आसान है। देखिए साथियों, अगला सवाल भी आपके सामने आ चुका है इन्हीं बातों के साथ, क्या कह रहा है, 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 500 रुपये मूलधन है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का क्या निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है, जो जो दिया उसको लिख लिया फटाफट, मूलधन दिया है, दर दिया है और समय भी दिया गया है, उसके बाद क्या करना है, देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र हमने बताया था, मूलधन इंटू 1+ दर/100 की पावर समय होता है, मान रख दिया हमने मूलधन 1+ दर की जगह पे 10, अब इसे हल करना, ज़्यादा आपको नहीं समझाना क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं, समझदार हो चुके हैं, तो 500 × 10 से काट दो 100 को, आप जानते हो 10 दहम में 100 होता है, 10 का 1 में गुणा करोगे, यहाँ वाला 1 जोड़ दोगे, तो ये फाइनल में 11/10 हो जाएगा और इसकी घात हो जाएगी 2, क्योंकि समय जो है वो 2 वर्ष दिया गया था, बस हल कर लो, आपके सामने आंसर आ चुका है, 511 का वर्ग 121 होता है ना, पढ़ा है आपने, 121, 10 का वर्ग 100 होता है, 100 से काटोगे 500 को 5 आएगा, 5 से गुणा कर लो 121 में, 5 से 121 में गुणा करोगे तो 5 × 5 5, 5 × 2 = 10, हासिल 1, 5 × 5 = 6, कितना आ गया, 605 रुपया, मतलब कि चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो गए, 605 रुपये, नोट कर लीजिए, अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट। देखिए साथियों, अगला भी सवाल आपके सामने आ चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ समझ में ना आ रहा होगा, देखिए मैं समझा देता हूँ, 6ठवां सवाल है, इसको खुद से करना होमवर्क है, और अपना दिमाग जितना चलाओगे ना उतना आएगा, जैसे आपने देखा होगा बरसात के महीने में किसान लोग फावड़ा खुरपी कुदाल हंसिया रख देते हैं, जब उसमें बहुत जंग लग जाता है, लेकिन जब उसको मिट्टी में धुनना शुरू कर देते हैं, खोदना काटना, तो फिर वो चमकने लगता है लोहा, देखा होगा, अनुभव किया होगा, है ना, तो उसी तरह से जो दिमाग है ना, उसको जितना ज़्यादा घिसोगे ना उतना ज़्यादा चमकेगा, अगर इसको ऐसे रख दोगे आँख बंद करके ना, तो इसमें जंग लग जाएंगे, तो फिर इसको यूज करिए और इस सवाल में लगा दीजिए पूरा दिमाग, पैना कर लीजिए अपना दिमाग। अगला सवाल 7वां, ज्ञात कीजिए किस धन का 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन जो है वो कितना हो जाएगा, 676 रुपये हो जाएगा, मतलब समझना, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है, एक प्रकार से क्या दिया है, चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है, ठीक है, तो कैसे करोगे, मतलब समझना, कुछ नया लग रहा है ना, इसलिए मैंने फार्मूला लिख दिया है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1+ दर/100 का पावर समय, ठीक, ये फार्मूला लगाना, सब मैटर मैंने यहाँ दे दिया है, दर भी दिया है, समय भी दिया है, मिश्रधन भी दिया है, सिर्फ मूलधन निकालना है, इसकी जगह पे 676 रख दो, इसकी जगह पे कुछ मत रखो, ये जो जो दिए हैं रख के हल कर लेना है, कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, ये मत सोचिए हम सब छाप देंगे, ठीक है, नहीं आएगा तो फिर आप जानो आपका काम, 0 लेवल ज्वाइन करो अगर कैलकुलेशन नहीं आता तो। अगला सवाल भी आपके सामने आ चुका है, इसको भी समझ लो हल्के में, कह रहा कि ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपया 2 वर्ष में उसका मिश्रधन 441 रुपया हो जाएगा। देखो जो भी चीज़ दिया मैंने इधर लिख दिया, ये सब सवाल में दिया गया है, और इसको इसमें रख करके आपको निकाल लेना है, कितना आसान है ना, कर लीजिए सब, हर एक कैलकुलेशन को करना है सिर्फ आपको, बस बाकी कुछ नहीं करना। देखिए साथियों, पूरे विश्व की समस्या आपके सामने आ चुकी है, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है, और यदि इस समय उस नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,40,000 है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगी। भाई एक बात तो सही है कि चाहे कोई कुछ करे या ना करे, रोजगार हो या बेरोजगार हो, लेकिन जनसंख्या तो अवश्य बढ़ती है ना, वो दिन प्रतिदिन अपना कार्य करते रहते हैं, मतलब समझना, इसमें हमारे कहने का मतलब बुरा मत मानना, केवल मतलब समझने की कोशिश करना। एक बार मैं एक न्यूज देख रहा था, तो उसमें एक रिपोर्टर एक गांव में गई, उसने एक महिला से कहा आपका ये कौन सा बच्चा है, तो उसने कहा ये मेरा 7वां बच्चा है, तो उन्होंने कहा कि आपने अभी तक मतलब
कहने का मतलब बच्चे पैदा करना बंद क्यों नहीं किया, या फिर आपने नसबंदी वगैरह या कोई अन्य ऑप्शन क्यों नहीं यूज किया? तो उसने कहा क्या कर रही, भगवान की देन है, भगवान दे देते हैं। तो आपको बता दें कि बच्चे हैं या कुछ भी चीज़ है, आपको खाना भी भगवान खुद नहीं देते। जब तक आप कर्म नहीं करते हो तो फिर बच्चे कहाँ से भगवान दे देंगे। तो मतलब अब आप हमारा कहने का समझ गए होंगे, हम ए दो हमारे एक, अगर इस सिद्धांत पर अब चलेंगे तब कल्याण होने वाला है। नहीं तो कोई के चड्डी नहीं है, कोई का बंडी नहीं है, कोई को खाने को नहीं है। आप देखते होंगे एक एक घर में बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम होती है। तो आप इस बातों को ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन पे हम आगे चलते हैं। देखिए हमारे कहने का मतलब जो था आप समझ गए होंगे, इसमें एक प्रकार से क्या दिया है, दर दी गई है, और क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया एक प्रकार से। लेकिन आप कहोगे मूलधन तो दिया नहीं है, मूलधन मतलब वही जो वर्तमान जनसंख्या दी गई है, और समय क्या दिया गया है, 3 वर्ष दिया गया है। करना क्या है इसमें, रख दीजिए मान, बस हो गया, आ गया आपके सामने सूत्र, वही लगा दीजिए चक्रवृद्धि मिश्रधन वाला, ठीक ना, कर लोगे ना। देखिए इसी फार्मूला में मान रख देना है, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा, जो भी है सब आपके सामने है। गांव की जनसंख्या दी गई है, ये हो गया, हमने रख दिया, इसको हल कर लेना है साथियों। आप इसको हल करोगे तो ये 10 एकम 10 10 100 आ जाएगा ना, ठीक। तो इस तरह से इसको उतार लोगे, 1,40,000 जो भी दिया है, ये हो जाएगा 11/10 की घात कितना, 3, ठीक है, 11/10 की घात 3, इसी को फाइनल कर लो बस। देखिए आपका आंसर आपके सामने आ चुका है, टाइम की बहुत कमी है, इसको हमने यहां तक हल किया, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो घात 3 लगी थी, इसलिए हमने इसको 3 बार ओपन कर दिया, और इस तरह से हो गया 10 10, ये सब कट गया। काटने के बाद ऐसे भी समझ लो, एक एक जीरो काट दो, 3 जीरो हो गया, 140 आ गया, सब गुणा कर लिया, 1,86,340 आ गया। साथियों कुछ बातें हम ऐसी बोल देते हैं जो आपको हो सकता है हर्ट करें या बुरी लगें, लेकिन हम पीवीआर स्टडी को एक फैमिली समझते हैं, इसलिए हम कोई इसमें लव फेवर नहीं करते। ऐसी जो भी बातें हमारे दिमाग में आती सीधा सीधा बोल देते हैं, अगर कुछ बुरा लगे तो माफ़ करिएगा, लेकिन हमारा उद्देश्य जो होता है वो किसी न किसी अच्छे पर्पज़ के लिए होता है। अगर आप उसे अच्छे तरीके से समझेंगे तो समझ में आएगा, अगर बुरा तरीका से समझेंगे तो गुस्सा भी बहुत लगेगा, तो माफ़ करिएगा। चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही साथियों। चलते चलते आपको बता दें, ऊपर ये सारे बहुत से चैनल के नाम दिए गए हैं, पीवीआर स्टडी के सारे चैनल हैं, इनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। अगर पूछोगे काहे लिए सब्सक्राइब करें, क्यों करें, तो इसको हम नहीं बता सकते। हमने कहीं शायरी पढ़ा हुआ था, उसमें लिखा था कि प्यार करते हैं तो करते हैं, और क्यों करते हैं ये पूछोगे तो उम्र गुजर जाएगी। तो बस अगर हम ये बताएंगे कि आप क्यों सब्सक्राइब करो, तो टाइम नहीं है, टाइम गुजर चुका है, तो आप लोग इनको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। हर एक चैनल की अलग अलग विशेषता है, नाम आपके सामने दिख रहा है, सर्च कर करके सबको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, अगली क्लास देखिएगा अभी थोड़ी देर बाद, यानी कि 6:30 बजे से।